दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुलाम हैदर के हक में फैसला दे दिया है और वो फैसला 2020 से फैसला है जो कि जिसने अब कानून की शक्ल इख्तियार कर ली है और वो फैसला मेरे सामने है। इस फैसले में एक पिता है जिनका नाम है वरुण वर्मा और उन्होंने उनकी सिटीजनशिप यूएसए की है और उन्होंने शादी की थी किसी इंडियन के साथ और उस इंडियन ने वो फैसला दिया, वो जो इंडियन महिला थी वो हिंदुस्तान आ गई बगैर यूएसए बगैर अमेरिका की परमिशन के, बच्चा लेके आ गई हिंदुस्तान। तो उस पिता ने राजस्थान हाई कोर्ट में फैसला दिया किसके हक में, पिता के हक में। फिर उस महिला ने, मदर ने उस फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 226 की जुरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन के तहत फैसला पिता के हक में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा कि पिता को कॉन्टेक्ट राइट है, पिता को विजिटिंग राइट है, पिता वीडियो कॉल पे बात कर सकता है, पिता जो है वो बच्चे को लेने आ सकता है, मीटिंग कर सकता है। और क्योंकि महिला ने गैरकानूनी तरीके से महिला बच्चों को लाई है हिंदुस्तान, तो बच्चों की कस्टडी पिता को दी जाए। अब महिला का जो वीजा था वो लीगल था, हर चीज लीगल थी, लेकिन महिला का सिर्फ ये उसकी गलती थी कि वो गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर आई थी और बच्चों को लेकर, मतलब उसका ये एक्ट था बच्चों को लेने वाला, वो गैरकानूनी था, बाकी पूरा वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन लीगल थी। अब गुलाम हैदर का जो केस है उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट का यही रद्दे अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही फैसला दिया हुआ है और हाई कोर्ट ने, दोनों गुलाम हैदर के साथ हैं। हाई कोर्ट इंडिया और सुप्रीम कोर्ट इंडिया कहती है कि गुलाम हैदर को पाकिस्तान में, अगर गुलाम हैदर, यदि गुलाम हैदर पाकिस्तान में गार्जियन इन वार्ड की एप्लीकेशन में जाता तो गुलाम हैदर के पक्ष में हम फैसला देते, अगर यदि गार्जियन इन वार्ड की एप्लीकेशन में नहीं जाता फिर भी उसके पक्ष में देंगे, क्योंकि सीमा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो गलत तरीके से हिंदुस्तान में आई है। जो फैसला है वो किसके हक में है, वो फैसला गुलाम हैदर के हक में है। ये फैसला आप देख सकते हैं, मैं इस फैसले को पढ़ लेता हूँ। ये जो फैसला है, इस फैसले में 226 आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है जुरिसडिक्शन, इसमें रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस की पिटीशन दाखिल की थी पिता ने कि मेरे बच्चों को मेरे बगैर परमिशन के लेके आए हैं, इसमें ये बात की गई थी। तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो महिला के वकील थी उनका कहना था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये मेंटेनेबल है, अगर कोई पिता से उसके बच्चे गैरकानूनी तरीके से छीने जाए तो ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मेंटेनेबल होगी, या फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के भी यहां पर इनहेरेंट पावर है और सुप्रीम कोर्ट के भी यहां पर इनहेरेंट पावर है। फर्दर हाई कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स एक नजरिया पेश किया कि भाई जब भी गैर कानूनी तरीके से कोई भी बच्चा आएगा, पहले तो पाकिस्तान एक सिग्नेटरी है चाइल्ड एबडक्शन 1980 से, पाकिस्तान के पास एक कोडिफाइड कानून है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी कानून है और इंडिया के पास भी कानून है जो इस शक्ल में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये सारा फैसला गुलाम हैदर के हक में है, हर चीज गुलाम हैदर के हक में है, कोई भी चीज गुलाम हैदर के खिलाफ नहीं है। यहां तक कि गुलाम हैदर मजलूम है, एग्री पर्सन है, गुलाम हैदर इंडिया आ भी सकता है, उसको बच्चों के लिए वीजा मिल भी सकता है, वो अपना वीजा एक्सटेंड भी करवा सकता है, बच्चों से, बच्चों के लिहाज से विजिटिंग राइट रखता है गुलाम हैदर, विजिटिंग राइट के अलावा कॉन्टेक्ट राइट रखता है गुलाम हैदर। सीमा को चाहिए कि वीडियो कॉल पर गुलाम हैदर की बात करवाए बच्चों से, क्योंकि देखें यहाँ पर सिर्फ गुलाम हैदर का हक नहीं है, सीमा का हक नहीं है, यहाँ पे हक है बच्चों का, यहाँ पर बच्चों की कस्टडी का हक है, सारी बात बच्चों की है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज हम पराशर साहब से भी इन मामलों में बात करेंगे कोर्ट के।